जय श्री राम दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ बजरंग बली के भक्तों के लिए है। अगर आप उन्हें नहीं मानते तो ये वीडियो ज़रूर स्किप कर सकते हैं। आप सबको पता है हनुमान जी की राम भक्ति कैसी थी, तो आप अगर बजरंग बली को खुश करना चाहते हैं तो श्री राम जी का नाम लीजिए, बजरंग बली ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो चलिए आज फटाफट बालाजी महाराज को खुश करने के लिए उनके प्रिय श्री राम नाम की माला बनाते हैं। ये मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया है। अब यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ और उसके ऊपर जो बॉल चेन आती है गोल्डन कलर की वो यूज़ कर रही हूँ। उससे हम यहाँ पर भगवान श्री राम का नाम लिखेंगे। ये देखिए इस तरह से। दोस्तों हनुमान जी का संपूर्ण जीवन श्री राम जी के लिए ही समर्पित था। आपने कथा में भी सुना होगा कि विभीषण के कहने पर हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखा दिया कि उनके लिए भगवान श्री राम जी ही सब कुछ हैं। तो हम आज हनुमान जी के प्रिय श्री राम नाम की माला को हनुमान जी के लिए ही बनाएंगे और उन्हें पहनाएंगे, तो मैं मानती हूँ कि आपकी इससे मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। इस तरह से ये देखिए मैंने श्री नाम कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर नीचे राम नाम लिख रही हूँ। अब ये राम नाम भी कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक बार लाइक बटन ज़रूर दबा दें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब इसी तरह से ये देखिए मैंने राम नाम के भी ये पेज इस तरह से बना लिए हैं। अब श्री राम के नाम वाला जो पेज है इसके जैसा हम दो बनाएंगे और उनको सूखने के बाद हम कट कर लेंगे। अगर आप राम नाम नहीं लिख पा रहे हैं तो इस तरह से मार्केट में मिलते हैं, उनको भी आप चिपका सकते हैं। इनको मैंने सबको कट करके इनके नीचे हार्ड पेपर भी चिपका दिया है और इन्हीं की साइज़ का हमने बुकरम भी कट कर लिया है। चलिए अब आगे का प्रोसेस बताती हूँ। आप इस तरह से लगभग 70 के समथिंग आप हर लाइन में माला वाइट कलर के मोती पिरो लीजिए। ये मैंने 6 नंबर की साइज़ के मोती लिए हैं और इस तरह से हमें 5 लाइन बनानी है। अब मैं ये बुकरम की जो कटिंग करके रखी हुई थी उसके ऊपर 1 बाय 1 करके ये 5ों जो हमने धागों में मोती पिरोए हैं उनको यहाँ पर चिपका रही हूँ। इसके लिए मैंने प्लास्टिक का थ्रेड यूज़ किया है, जो नियोन वाला थ्रेड आता है वो वाला यूज़ किया है। उसके ऊपर मैं ये जो श्री राम नाम का जो पेज हमने बनाया था वो चिपका रही हूँ। अब इसको पहले अच्छे से सूखने देंगे, उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ये सूखने के बाद जो हमने रेक्टेंगल शेप में राम नाम का जो पेज बनाया था उसको यहाँ पर चिपकाएंगे। मैंने हर लाइन में 11 मोती यूज़ किए, ये जो 5 लाइन है इनमें 11 मोती डाले हैं सब में। और इस तरह से लगाने के बाद हम यहाँ पर पीछे जो बुकरम कट करके रखा हुआ था उसको चिपका देंगे। और आप एक एक करके जो ये थ्रेड है उसको थोड़ा सा हल्के हाथ से टाइट कर दीजिए ताकि मोती की जो लाइन है ये एकदम सीधी लगेगी। ये देखिए इस तरह से। अब सेम इसी तरह से हमें आगे की लाइन में भी सब में 11 11 लेकर फिर से एक राम नाम का पेच लगाना है। ये देखिए मैंने पहले से लगा के रखा है, ये यहाँ पर 11 मोती यूज़ किए हैं सब में। अब इनमें हमें कितने कितने मोती यूज़ करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट लाइन में मैंने 11 लिए हैं, सेकेंड में 15, थर्ड में 18, फोर्थ में 22 और फिफ्थ में 25। मैं आपको फिर से रिपीट करूं, फर्स्ट में 11 लिया है, सेकंड में 15, थर्ड में 18, फोर्थ में 22 और लास्ट वन में मैंने 25 यूज़ किया है। इस तरह से हम नेक्स्ट पेज भी लगा देंगे यहाँ पर। और ये जो थ्रेड है उनको हम हल्का हाथ से खींच कर टाइट कर देंगे। अगर ये इनमें से एक भी झूलता हुआ रह गया तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। इस तरह से ये देखिए इनका शेप बिल्कुल सही आएगा। अब अगर आप मोती काउंट करके लगाएंगे तो माला एकदम परफेक्ट बनेगी। अब इससे आगे हमें वापस हर में ये 11 11 मोती लेने हैं सब में और नेक्स्ट सेम प्रोसेस में ही हमें वापस से वो पेज चिपकाना है। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर पेज चिपका दिया है। अब लास्ट वाला हमें सेम उसी की तरह से ही जिस तरह से हमने चिपकाया था वैसे ही चिपकाना है। इधर पीछे बांधने के लिए मैंने माला इसके साथ में जो गोटा वाली लेस है वो इसके साथ में चिपका दी थी। इधर अलग से चिपका के मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बस जस्ट ऐसे चिपकाना है। अब देखिए आपका रिजल्ट कैसा लग रहा है।
ये मोती की माला बहुत ही सुंदर लग रही है बनने के बाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह के और भी बहुत सारे क्रिएटिव वीडियोज़ मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।